दुबई में दुर्गा पूजा मनाया गया, तो सऊदी अरबिया में भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, जागरण हो रहा है सऊदी अरबिया में, तो आप लोग इस्लामिक देश वाले किसको किसको मना कीजिएगा, किसको मना कीजिएगा? है हिम्मत आप में किसी को मना करने की? और आप होते कौन है? मंदिर बनना गलत बात है, गलत बात है इस्लामी मुल्क के। वहाँ पे कोई मस्जिद अभी नई नई बन रही ना, वो बनने दे रहे, वो तो उल्टा तोड़ रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं शहीद की, इधर पीछे मंदिर तोड़ा नहीं गया, इधर पीछे मंदिर एक तोड़ा गया, कराची में दो मंदिर तोड़े गए, चर्च को जलाया गया। अगर ऐसा हो ना, हिंदू मुस्लिम एक हो, तो सबसे पहले इंडिया कश्मीर को छोड़ दे। अच्छा। मुसलमानों के ऊपर मुजालिम ना ढाए। कैसे बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान पाक की कर रहे हैं, मुसलमानों की कर रहे हैं, हमें कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए, इस्लामी ममालिक में नहीं होना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कुछ पाकिस्तानी जिहादी कह रहे हैं कि किसी में दम हो तो पाकिस्तान के अंदर नया मंदिर बना के दिखाए, पाकिस्तान के अंदर हम नया मंदिर नहीं बनने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग। पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो है आराम शेख का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दुबई में दुर्गा पूजा मनाया गया, तो सऊदी अरबिया में भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, जागरण हो रहा है सऊदी अरबिया में, तो आप लोग इस्लामिक देश वाले किसको किसको मना कीजिएगा, किसको मना कीजिएगा? है हिम्मत आप में किसी को मना करने की? और आप होते कौन है? आप देखिए, हम अपने मुल्क के अंदर अपना कानून लागू कर सकते हैं, वो दुबई सऊदी अरबिया वो अलग मुमलिकत है, उनकी अलग से अपनी रियासत है, उनके अपने उसूल है, हम उन पे नहीं चल सकते। ठीक है, हमारे मुल्क में हो हम उसका बिल्कुल दिफा करेंगे, भी हमारे मुल्क में कोई नया मंदिर बन जाए, कोई नया नई कोई चीज बने, हम उसके लिए खड़े हैं। ठीक है, मंदिर बनना गलत बात है, गलत बात है इस्लामी मुल्क है, उनके अपने जो पहले से बने हुए हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ठीक है, बकाया जो है उसके जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट उनका वो कर रही है, लेकिन आपने कहा मंदिर बनना गलत बात है, जो पहले बने बने, अब नया ना बने। ठीक है, देखा जाए तो इस्लामी ममालिक, मेरी बात सुने तो इंडिया क्या है, इंडिया हिंदुइज्म पर ज्यादा है ना, बिल्कुल, तो वहाँ पर हमसे ज्यादा मस्जिदें हैं और अभी भी बनी है, तो फिर वो भी गलत ही कर रहे हैं। बेटा वो मस्जिद, वहाँ पे कोई मस्जिद अभी नई नई बन रही। अच्छा। ना वो बनने दे रहे, वो तो उल्टा तोड़ रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं शहीद की, उसकी जगह पे उन्हें 5 एकड़ जमीन दी है। ओहो, और अभी नई कितनी ज्यादा मस्जिदें बनी है, अंदर रिकॉर्ड में आपको दिखा सकते। बेटा मेरी बात सुने, हम यहाँ पे मंदिर तोड़ते हैं, हम कहते हैं हम आपको फलां जगह पे 2 एकड़ जगह देंगे। ठीक है, हमें कोई छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट ही नहीं छोड़ती। ठीक है, ये सब चीजें बेटा हमारे जो मेरे नॉलेज में है कि ऐसा कुछ भी, यहाँ पे प्लाजे बना दे, यही मंदिर तोड़ के यहाँ पे प्लाजे बना दे, इसको कहीं वीरान जगह में ले जाए। इधर पीछे मंदिर तोड़ा नहीं गया, कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते। इधर पीछे मंदिर तोड़ा नहीं गया, इधर पीछे मंदिर एक तोड़ा गया, कराची में 2 मंदिर तोड़े गए, चर्च को जलाया गया। अभी कराची में तकरीबन 1 माह पहले के 1.5 माह पहले मंदिर को डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया, अभी हुआ ये 1.5 माह का वाकई है। वो हमारे नॉलेज में नहीं, हमें बताया नहीं जाता, हम जानना नहीं चाहते, हमें सिर्फ पता है। हम तो ये बात करेंगे कि हमारा मुल्क है, यहाँ पे ये इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी कानून होने चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात हमारी ये गलत है कि हमारे मुल्क में जुम्मे की बजाय इतवार की छुट्टी है। ये इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुमलिकत है, यहाँ जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, सऊदी अरबिया जितने ममालिक है इस्लामी, वहाँ पे जुम्मे की छुट्टी हो रही है, हमारे यहाँ जुम्मा खत्म कर दिया है, इतवार कर दी है, हफ्ता कर दी है, लेकिन जुम्मा नहीं करने दे रहे। जिस तरह से इस लड़की ने कहा कि भाई जहाँ से दीन इस्लाम फैला है सऊदीया से, और दुबई भी बड़ा इस्लाम का मानने वाला है, वहाँ पर अगर हिंदू चीजों को इतना प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे क्लब चर्च और मंदिर और इस तरह की सारी चीजें बन रही है, तो आप एक बाहर मुल्क हो जो सिर्फ और सिर्फ कहते हो कि नहीं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वरना दुनिया के अंदर आज हिंदू मुस्लिम खत्म होके सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी दिखाई जाती है, काम किया जाता है, सबसे रिलेशन बेहतर किया जाता है, इस पर क्या आपकी बात है? बेटा मेरी बात सुने ना, अगर ऐसा हो ना, हिंदू मुस्लिम एक हो, तो सबसे पहले इंडिया कश्मीर को छोड़ दे। अच्छा। मुसलमानों के ऊपर मुजालिम ना ढाए। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी किताबी बातें हैं, कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। अभी जब पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, उन्होंने मुसलमानों को दिए वीजे? नहीं दिए। क्यों? वो हमसे नफरत करते हैं। अच्छा। वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, हम मुस्लिम है, हम उनके खैर ख्वाह है, हम बिल्कुल उनके साथ चलते हैं, हम उनके उसूल, उनके सब कुछ देते हैं।
हम बुरे हैं उनकी नजर में, लेकिन हम उनका अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं दिए वरना मुसलमानों को दिए हैं। अगर हम देखें पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दिए तो अंग्रेज में बड़ी वजूहत आती है, हम आंखें बंद करके बैठे हुए ना। अभी आपको मैंने मंदिर का बताया, आपको नहीं पता था, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं दिए। पिछली दफा जब हुआ था वर्ल्ड कप तो 14 पाकिस्तानी वहां जाके गायब हो गए थे। अगर हम देखें, चले वो इंडिया है, अभी कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप अपने भिखारियों को अपने मुल्क में रखो, यहाँ के पासपोर्ट फाड़ देते हैं, हरम के अंदर भीख मांगते और यहाँ का निजाम खराब कर रहे हैं। तो हमारे तो इस्लामिक कंट्री हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? ओ बेटा वो बात आपकी सही है, पांच ये काम करने दे, यहाँ से जो जाएगा मैं जाता हूँ तो मैं तो चला गया, अगर वहां जाके मैं मांगता हूँ तो उनकी कंट्री उनको मना करें, उसको पकड़े, सजा दें मुझे। मुझे सजा हो रही है ना, पाकिस्तानी सजा में सबसे ज्यादा आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को कितनी सजा दे, जेलें भरी पड़ी हैं, तो अब आप पाकिस्तानियों पे खुद कंट्रोल लगाओ। बेटा बात ये, हमारे मुल्क में ला कानूनियत है, यहाँ लोग ला कानूनियत सीखने के बाद बैरूनी मुल्क जाके उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके दिल में खौफ है नहीं, ठीक है। यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून, हमें अपने ऊपर नजर डालनी चाहिए। इंडिया 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 करने की जरूरत नहीं है। देखें एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं, इंडिया इसराइल अमेरिका, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक और हदीस में फरमा दिया यहूदियों ने सारा आपके दोस्त नहीं, तो हम कहें हिंदू मेरा भाई, जब वो हमें अच्छा नहीं जानते, ठीक है। वो अगर हमें अच्छा जाने ना तो हमें दुनिया में नजर आना चाहिए, ठीक है, हमें तो नहीं नजर आ रहा। अंकल अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ इंडिया के तालुकात अच्छे नहीं है, वरना जितने मुस्लिम ममालिक कोई उठा ले, इजिप्ट उठा ले, टर्की उठा ले, ईरान उठा ले, सऊदी उठा ले, दुबई उठा ले, सबके इंडिया के साथ बड़े अच्छे तालुकात, और हमसे ज्यादा ट्रेड है। बेटा बात ये है मफादात नहीं बनते, उनके मफादात है। अच्छा अगर वो इंडिया से करेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, तेल कहाँ बेचेंगे वो, अपनी बाकी कहाँ करेंगे, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, उनको हमारे साथ क्या मफाद है? अभी कोई मफाद नहीं है, जब हम बनाएंगे कोई चीज अपनी तो फिर उनको मफाद होगा। सही कह रहे हैं, हमें तो मफाद उनके मोबाइलों तक भी है, हमने बनाया क्या है, कुछ बनाया आप बता दें। हमारी मईशत तबाह है, बस बात हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है। नहीं मैम ये मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के पास इतनी अगर पावर होती तो इधर कितना गंदा है वो ठीक ना वो कर लेते। अब ये मेरी बात सुनिए, ये जो मुस्लिम है हम सऊदी अरब के पीछे है, चीन के पीछे हैं, जो उन्होंने कहना है वो करना है। दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारी, अगर हम चाहे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। मगर जो वो अमेरिका कह रहा है ना कि हम अब इसराइल की तरफ आएगी, बात उधर मैं ले जाता हूँ, इसराइल की तरफ जो आएगा तो मैं ये कर दूंगा, ये मुस्लिम मालिक जो होते हैं इनको अपनी बात उठानी चाहिए। आपने कहा है कि फौज हमारी पावरफुल है, बेशक है, लेकिन फौज से इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? फौज से मेरी बात सुने, फौज जो सी है ना वो इकोनॉमी कैसे वो बेहतर करेगी? वही कह रही हूँ ना, तो हमें इकोनॉमी बेहतर करने की जरूरत है या जंगे करने की जरूरत है? इकोनॉमी करने की जरूरत है, मगर जब बात इस्लाम पर आ जाती है ना तो फिर कुछ नहीं देखना चाहिए, ये मेरा अपना माइंड है। इसराइल और फलस्तीन का तो किस्सा भी शुरू है ना, मतलब वॉर अभी शुरू हुआ, चाहे पहले जो भी था लेकिन किस्सा भी शुरू हुआ। उससे पहले हमारी कौन सी इकोनॉमी बेहतर थी, उससे पहले कौन से हमारे हालात बेहतर थे, उससे पहले कौन सा पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर रहा था? अच्छा मेरी बात सुने, वो सब वो कह रहे हैं ना, मैं एक बात कहता हूँ सबसे कि यार ये कह रहे हैं ये सब चोर है, मेरी बात सुने, अगर ये सब चोर है तो ये मुल्क कैसे चल रहा है? बिल्कुल सही कह रही है, पाकिस्तान अभी तक वो तरक्की नहीं कर सका, पाकिस्तान अभी, पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब या किसी ऐसे मुल्क को कोई भी फॉरवर्ड जाके कोई बात कह सके या उन्हें कोई स्टेटमेंट दे सके कि ये नहीं हो सकता या पाकिस्तान रोक सके, अभी पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं हुआ। हम तो अमेरिका से दूर नहीं हट रहे, हम इनको क्या कहें? हम हमारी कंडीशन ये आ गई है, हमारे हुक्मरानों ने हमारे कंडीशन यहाँ तक ले आए हैं कि हम अपने बांग्लादेश जो हमारे पाकिस्तान के बाद हुआ है हम उनसे नहीं मुकाबला कर सकते, तो ये तो दूर की बात है। अगर हम देखें तो दुबई में मंदिर बना, सऊदी में क्लब और इस तरह की काफी चीजें जो कि अभी है ही नहीं थी, अब आकर होना शुरू हो गई। अच्छा तो मुझे बताइए क्या मंदिर बनना किसी इस्लामिक कंट्री में जायज है या गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा क्योंकि हमारे उधर देख लें, आप इंडिया में देख लें, किसी भी फलस्तीन किसी भी मुल्क में देख लें, कैसे बेहरमती कर रहे हैं, कुरान पाक की कर रहे हैं, हम मुसलमानों की कर रहे हैं, हमें कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए, इस्लामिक ममालिक में नहीं होना चाहिए। तो फिर तो इसी तरह हिंदू कंट्री के अंदर मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू कंट्री में मस्जिद है लेकिन वो हमें मुसलमानों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। कोई भी हमें किसी भी ममालिक में हम चले जाएं वहाँ पे हमें कोई रिस्पेक्ट, मुसलमान को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इवन के हमें सऊदी अरब में भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही।
देखिए इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कितना जिहादी मानसिकता के लोग पाकिस्तान के अंदर भरे हुए हैं। इनका यह मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि इनकी किताब के अंदर लिखा हुआ, तो भैया तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, बाकी किसी धर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान आपका दोस्त नहीं हो सकता है। और तुम बात करते हो मस्जिदों की, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिद भारत के अंदर है, उतनी पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। और तुम कह रहे हो कि भारत के अंदर मस्जिद नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तोड़ी जा रही हैं। जब इन जिहादियों से पूछा जाता है कि भैया कौन सी मस्जिद भारत के अंदर तोड़ी गई थी, नाम बताओ थोड़ा सा, तो कहेंगे बहुत सारी तोड़ी गई लेकिन नाम किसी का नहीं बताएंगे। नाम एक ही इनको रट्टू तोड़ने की तरह से याद है, जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। और उस मस्जिद को आज के समय में अलग बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक्चुअल में राम मंदिर था तो वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा, मस्जिद अलग बनाई जा रही है। अब इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा टेंशनाइड रहते हैं। जैसे ही बाबरी मस्जिद का नाम सुनते हैं पाकिस्तान के लोगों का मुंह उतर जाता है, खून जो है इनका उबाल मारने लगता है और जो वहां पर मंदिर है उनके ऊपर सारा गुस्सा निकल जाता है। कराची के अंदर दो मंदिर कुछ दिन पहले गिराए गए थे। ये जो मंदिर पीछे दिखाया जा रहा था इसके ऊपर भी भीड़ ने अटैक किया था, इसको पूरा तोड़ दिया था, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। हाल ही में जब इंटरव्यू ले रहे थे यहीं पर एक कोई यूट्यूबर थे दूसरे, तो एक औरत बोल रही थी कि यहाँ पर ये मंदिर क्यों बना हुआ है, ये लोग भी बोल रहे थे यहाँ पर मंदिर क्यों बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बननी चाहिए क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है। अब ऐसे जिहादी जहाँ पर रहते हों तो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो किस तरीके से रहती होगी, जहाँ पर ये मानसिकता बनाई जाती है कि इस देश के अंदर मंदिर नहीं होने चाहिए। और ये लोग जब किसी दूसरे देश के अंदर मस्जिद बनती है तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इस्लाम का प्रचार हो रहा है, मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये दोगलापन है कि ये सोचते हैं कि दूसरे देश के अंदर मस्जिद हम बनाए लेकिन हम अपने देश के अंदर मंदिर नहीं बनने देंगे। और ये हो भी चुका है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनना था, इमरान खान खुद बनवा रहे थे कि यहाँ पर हिंदू लोग आकर अपना पूजा आरती कर सके। इस चीज़ को लेकर जो कट्टरपंथी थे, मौलवी थे, जिहादी थे पाकिस्तान के, वो सब इकट्ठा हो गए, इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनने दिया, इमरान खान की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। अब सोचिए इतनी कट्टरता पाकिस्तान के अंदर भरी हुई है हिंदुओं के खिलाफ। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नफरत नहीं है, सिख हैं, ईसाई हैं, ईसाइयों के भी घर जला दिए गए, गिरजा घर को जला दिया गया। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो अल्पसंख्यक है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये भारत की तरफ हमेशा उंगली उठाते रहते हैं। ये इतनी मानसिक दूषित हो चुके हैं कि सऊदी, यूएई जैसी कंट्री हैं जहां पर ये सारी चीज़ें आज के समय में अलाउ हो चुकी हैं और वो पूरी दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये 1400 साल पहले वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ बम लगाकर अपने आप में फटना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं करना चाहते। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।